जहां एक और मंदिर अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होने जा रहा है, आप भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, आप ऐसा क्या काम करेंगे जिससे आप अध्यक्ष पद के लिए चुन के सामने आएंगे? मेरा जो कार्यकाल रहेगा उसमें मंदिर को खूबसूरत बनाने का पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और मंदिर की आमदनी बढ़े और अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य हों जिससे क्या मंदिर की और क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़े, ये मेरा विचार है। और धर्म के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ये है मेरी। नहीं, जैसा कि आप कह रहे हो साहब, मंदिर की आय को मैं खर्चा नहीं होने दूंगा, तो वो किस प्रकार से आप करेंगे? वो क्या है, हमारा संगठन है, वो संगठन जो है कार्य करेगा और वो उस संगठन के द्वारा जो है हम सब मिलके और इस कार्य को अंजाम देंगे। नहीं, आपका कौन सा संगठन है जो आप जो संगठन को सामने लाना चाह रहे हैं? मैं संगठन को मैं अभी फिलहाल सामने नहीं लाऊंगा। नहीं, तो फिर भी आप कैसे कह दोगे कि भी संगठन, आपका संगठन का नाम तो होगा? वैसे देखो, हमारा संगठन वैसे बहुत बड़ा संगठन है। नहीं, विश्व का संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, धार्मिक भावनाओं से जो है उससे जुड़ी हुई है और सभी धर्म प्रेमी बंधु हैं उसमें जो इस तरह का काम करते हैं, सहयोग करते हैं और मैं चंदा इकट्ठा करके इस तरह का काम करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम जो है हमारा रहेगा। नहीं, आप जो बता रहे हो कि भाई कि मैं मतलब अध्यक्ष बनने के बाद में ये काम करूंगा, मतलब और मैं व्यक्तियों को जोड़ूंगा, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे आप, किस प्रकार देखते हैं आप? धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक जो भावना जो रहती है, जो लोग जो बोलते हैं कि साहब हमको भी जो है धर्म के प्रति आगे आना है, तो हमको भी इस ट्रस्ट का सदस्य बनाना है, तो उस हिसाब से जो है संख्या में जैसे बढ़ोतरी होगी तो दो पैसा मंगे ट्रस्ट को भी प्राप्त होगा जो विकास के लिए काम भी किया है। नहीं, विकास तो वैसे भी खूब हो रहा है, आप और क्या विकास, नया विकास क्या आप, आपके मन में ऐसा नए विकास की क्या है धारणा? नए विकास की धारणा तो ये है कि मंदिर के अंदर जो है कुछ ऐसी मूर्तियां जो है लगाई जाएगी और कुछ ऐसी पेंटिंग जो है दर्शाई जाएगी जिससे लोग देख के आकर्षित होंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भावना मतलब चरण होगी धर्म के प्रति और मंदिर के प्रति जुड़ाव रहेगा और उस विचार चांद रहेंगे। ये ऐसी कौन सी मूर्तियाँ लाना चाह रहे हो आप जिससे मतलब ध्यान आकर्षित हो? जैसे बड़े गणपति जी हैं और माँ लक्ष्मी जी हैं और कुबेर जी देवता हैं, तो ये क्या है कि ये बहुत कम जगह हैं और ये होने से इससे क्या है कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है बढ़ेगी और उससे पूरे चित्तौड़ का नाम होगा और मैं समझता हूँ कि इसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे। क्या बुजुर्गों और सीनियर सिटीजन के सामने आप टिक पाएंगे? ये देखो, ये उनका सोचने की बात है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरा मैं ये मानना है कि मैं उनको सबको साथ लेके चलूँगा और उसके अलावा क्या है कि मेरी कोई मतलब कोई मन की ऐसी कोई गलत भावना नहीं है जो किसी को ठेस पहुँचे, मैं तो सिर्फ एक मौका पाना चाहता हूँ, तो उनके सबके सहयोग से हो सकता है मिल सके तो मैं इस कार्य को करने में समर्थ रहूँगा।